तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के समर्थन में खुलकर आते हुए पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि महुआ को संसद से निष्कासित करने की योजना पर काम चल रहा है, लेकिन 2023 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी किसी भी कार्रवाई से कृष्णानगर की सांसद को आगे बढ़ने में मदद ही मिलेगी। महुआ पर पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप है। इन आरोपों की जांच आचार समिति द्वारा किए जाने के बाद लोकसभा से निष्कासन की सिफारिशों का सामना कर रही महुआ को समर्थन के स्पष्ट संदेश में टीएमसी ने पिछले सप्ताह नदिया जिले में पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम उन्हें सौंपा था। बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में पार्टी के एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अब वे महुआ को निष्कासित करने की योजना बना रहे हैं, इसके परिणाम स्वरूप वह और अधिक लोकप्रिय हो जाएंगी। जो कुछ वह अंदर कहती थी अब वह वही बातें बाहर कहेंगी। कोई बेवकूफी चुनाव से 3 महीने पहले ऐसा कुछ करेगा। महुआ के खिलाफ पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों की जांच चल रही है। लोकसभा की आचार समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले अनैतिक आचरण के आधार पर उन्हें संसद के निचले सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत की थी और उन पर उपहार के बदले व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर अडानी समूह तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था। मोइत्रा ने लोकसभा के आचार समिति की निष्कासन संबंधी सिफारिश को खारिज करते हुए इसे एक तथाकथित मनमानी अदालत द्वारा पहले से किया गया फिक्स मैच करार दिया और कहा था कि यह भारत में लोकतंत्र की मौत है।